Assalamualaikum, वेलकम टू हमायल ब्लॉग्स और वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो एक रैंडम सा व्लॉग है। हम लोग ने सोचा कि बुर्ज हुरैरा जाए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग भी साथ साथ रिकॉर्ड कर लिया जाए। और दो तीन जगह पर जाना था, जैसे फूड स्ट्रीट है, ये ओल्ड फूड स्ट्रीट है सरगोधा की, तो जो लोग यहाँ आ चुके हैं उनको अच्छे तरीके से पता होगा। तो हमने सबसे पहले जो था वो धुआं दुकान से बिरयानी पिक की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स का काम मिला हुआ है और वो सारा काम भी हमें लाइब्रेरी में रुककर करना होता है। तो उसके लिए फिर खाना पीना तो बहुत ज़रूरी है, और फिर हमारे जैसे फूडी लोग उनको तो बहुत ही मज़ा आता है खाना खाने में। फिर हम सबसे पहले धुआं दुकान से बिरयानी पिक की। ये बिरयानी हम लोगों ने सोचा कि सबसे आखिर पे खाएंगे, जब यूनिवर्सिटी पे हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत प्यारी सी बॉटल है जिसके अंदर चारपाई फिक्स की हुई है, तो हमारा हमेशा ये सवाल हुआ है कि ये इसके अंदर कैसे गई। फिर हम बुर्ज हुरैरा गए, हमें काम तो वहाँ कोई नहीं था, बस एक आधी कोई क्रीम लेनी थी और कुछ पापड़ छापड़। तो हम लोग यहाँ पे गए नीचे स्टोर से, जाके कुछ खाने पीने की चीज़ें उठाई और करिश्मा एक क्रीम लेनी थी वो यहाँ से पिक की, और हम लोग वापस बुर्ज हुरैरा गए। फिर यहाँ पे मिरर में बहुत अच्छी पिक्चर आती है, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे क्यों ना एक छोटा से सेगमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए। फिर विंडो शॉपिंग का अपना ही मज़ा है, बैग्स यहाँ पर बहुत अच्छे पड़े होते हैं। तो ये बुर्ज हुरैरा है, मेन यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर ये है। तो उसके अलावा थर्ड फ्लोर पे मूडीज़ है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए क्योंकि हमने सोचा कि जर्सी जाएंगे और वहाँ से कढ़ाई खा के एक दफ़ा फुल होके फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में अब असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन के दिन हैं तो काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो हम लोगों ने स्मोक वेफर्स ट्राई किए। जो लोग इसका रिव्यू पूछना चाहते हैं, ये मज़े का है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप लोग चाहें तो धुएँ की जो वीडियो है वो बना सकते हैं। नाइट्रोजन बेसिकली इसके अंदर होती है, तो बहुत ही मज़े का होता है, आपको एकदम ही ठंडा इफेक्ट देता है। और वेफर्स भी करवा सकते हैं आप लोग, उसके अलावा पापड़ भी इसके अंदर ऑप्शन होता है। तो वेफर्स मुझे ज़्यादा बेटर लगे, और क्योंकि मैंने पापड़ ट्राई किए हैं वो बहुत ही बड़ा साइज़ होता है, तो वो जब हम लोग खाते हैं तो उससे सही तरीके से एक तो धुआं भी नहीं निकलता। फिर हम लोग साथ ही एसएन वालों के पास गए, वहाँ पर हमें करिश्मा जो थी वो मिल गई, क्योंकि बुर्ज हुरैरा में हमें नहीं मिली थी, फिर यहाँ से हमें मिल गई। मैंने सोचा कि थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिखा दूँ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इस तरह के मज़े के व्लॉग्स मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल है, और इसकी लोकेशन है बुर्ज हुरैरा के बिल्कुल साथ, एसएन मार्केट है। तो यहाँ से हम लोगों ने चीज़ें वगैरह देखी कुछ, और बाकी चीज़ें तो हम बुर्ज हुरैरा से ही ले चुके थे। तो यहाँ से हम लोगों ने सिर्फ जस्ट करिश्मा बाय की और घूम फिर कर वापस अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जाना था। उससे पहले हमने सोचा कि कुछ खा पी कर जाएँ, तो हम लोगों ने सबसे पहले फिर वहाँ पर से पानी शानी भर कर फिर चर्सी की तरफ गए, और चर्सी से हम लोगों ने जो है वो कढ़ाई ट्राई की। और उनकी ये चर्सी शिवारी चिकन कढ़ाई में सिर्फ एक ही ऑप्शन अब रह गया है, जो कि चर्सी शिवारी कढ़ाई है, और इसका रिव्यू मैं अगले देती हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइस खाना पसंद करते हैं वो लोग ये बिल्कुल ऑर्डर ना करें, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत मीडियम लाइट सा है, मुझे पसंद है। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि यूनिवर्सिटी चलते हैं, यूनिवर्सिटी जाकर फिर से सेकेंड शिफ्ट हमारे खाने की, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा फूडी हैं और बार बार भूख लग जाती है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से बिरयानी ट्राई की, और धुआं दुकान की बिरयानी का पहले भी मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और बहरहाल टेस्ट वगैरह तो इनका बहुत अच्छा होता है, और क्वान्टिटी और साइज़ भी अच्छा होता है, और इनके कुछ कीमती असासे भी हमें साथ मिल जाते हैं, जो कि टूथपिक और चम्मच वगैरह और टिशू पैकिंग की सूरत में आपको मिल जाता है। एट लास्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।